हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 141 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप पीएचपी के डायरेक्टरी फंक्शन सीखने वाले हैं। इसी पिछली वीडियो में भी हमने डायरेक्टरी से रिलेटेड 3 फंक्शन देखे थे, ये उसी का सेकेंड पार्ट है। देखिए, इससे पिछली कुछ वीडियो में जहां पर हमने फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड कुछ फंक्शन सीखे थे, वहां पर मैंने आपको 3 फंक्शन सिखाए थे फाइल को ओपन करने के लिए, उसको रीड करने के लिए, उसको क्लोज करने के लिए। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास डायरेक्टरी के अंदर भी फंक्शंस आते हैं जिनकी हेल्प से हम डायरेक्टरी को ओपन कर सकते हैं या उनको रीड कर सकते हैं या डायरेक्टरी को क्लोज भी कर सकते हैं। वही 3 फंक्शंस हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, ओपन DIR, रीड DIR और क्लोज DIR। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि हम इन तीनों फंक्शंस को कैसे यूज कर सकते हैं। यहां देखिए, वेब एडिटर के अंदर मैंने अपना वही फोल्डर ओपन कर लिया जिसका नाम है PHP फाइल सिस्टम। इसको मैंने अपनी पिछली कुछ वीडियोस में यूज भी किया। अब इसी पे हम यहाँ पर अपना इस वीडियो का ट्यूटोरियल भी आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ जैसे DIR नाम से, जिसके अंदर मैं अपनी करंट डायरेक्टरी को डिफाइन करने वाला हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं करंट डायरेक्टरी के लिए ले रहा हूँ डॉट। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था, अगर हम सिंगल डॉट यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम करंट डायरेक्टरी की बात कर रहे हैं, और अगर हम 2 डॉट्स लगाते हैं तो इसका मतलब है करंट डायरेक्टरी से बाहर वाली डायरेक्टरी, मतलब कि जो उसकी पेरेंट डायरेक्टरी है। तो देखिए, अभी मैं जो करंट डायरेक्टरी है इसको ओपन करना चाहता हूँ, रीड करना चाहता हूँ और उसे क्लोज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि जो डायरेक्टरी है यह एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पे पहले इफ कंडीशन लगा लेते हैं और इसके अंदर आकर यहाँ पे मैं अपना फंक्शन यूज करूंगा जिसका नाम है isDIR। इस फंक्शन को भी हमने अपनी पिछली कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर यहाँ पर हम अपनी डायरेक्टरी का नाम डाल देते हैं DIR। अब ये चेक करेगा, अगर ये डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती होगी तो ये इस करली ब्रेसेस के अंदर आ जाएगा। अब इसके अंदर हम यहाँ पर सबसे पहले अपनी डायरेक्टरी को ओपन करते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पर मैं इफ कंडीशन लगा रहा हूँ। इफ कंडीशन लगाना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ डी, डी का मतलब भी डायरेक्टरी है। और अगर इसके अंदर मैं यहाँ पर सबसे पहले अपना डायरेक्टरी को ओपन करने वाला फंक्शन यूज कर लेता हूँ ओपन DIR, और इसके अंदर अपनी डायरेक्टरी पास कर देता हूँ जो कि है DIR। अब देखिए, ये वाला फंक्शन क्या करेगा, ये वाला फंक्शन इस वाली डायरेक्टरी को ओपन करने की कोशिश करेगा। अगर ये डायरेक्टरी ओपन हो जाती है तो ये डायरेक्टरी पास हो जाएगी डी नाम के वेरिएबल के अंदर। तो इसके बाद अब हमारा जो सेकंड वर्क होता है वो होता है डायरेक्टरी को रीड करना। तो डायरेक्टरी को रीड करने के लिए हम यहाँ पर अपना व्हाइल लूप लगा रहे हैं और इसके अंदर यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसका नाम है फाइल, और यहाँ पे इज इक्वल टू लेके यहाँ पे अपना फंक्शन यूज करूंगा जिसका नाम है रीड DIR। और इसके अंदर जो भी अभी हमने डायरेक्टरी ओपन की है वो है हमारे पास वेरिएबल डी के अंदर आ चुकी है, उसी को मैं रीड करने वाला हूँ यहाँ पे। ये देखिए, अब ये होगा क्या, ये हमारा जो फंक्शन है रीड DIR, ये इसके अंदर मतलब कि जो हमारे पास डी नाम का वेरिएबल है इसके अंदर जितनी भी फाइल्स या फोल्डर्स आ चुके हैं करंट डायरेक्टरी के, बारी बारी उन फाइल्स को रीड करना शुरू करेगा, और हर फाइल को रीड करने के बाद ये इस वाले वेरिएबल के अंदर पास करेगा और इसी को हम नीचे जाके यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे। तो देखिए, मैं उसके लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ इको, और यहाँ पर मैं एक मैसेज दे देता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ फाइल नेम, जिससे मैं पता लग जाए कि फाइल का नेम क्या है। कॉलन लगाया, स्पेस दी, यहाँ मैंने कॉन्कैटिनेशन यूज़ किया। उसके बाद मैं यहाँ पर अपना वेरिएबल ले लेता हूँ जिसका नाम है फाइल, ये देखिए, और उसके बाद मैं यहाँ पर ब्रेक भी लगा लेता हूँ, ये देखिए। अब हर बार जो भी इसे फाइल मिलेगी उस फोल्डर के अंदर, ये उसको यहाँ पर प्रिंट करता जाएगा, मतलब कि उसका नेम, और उसके बाद यहाँ पर ब्रेक लगती रहेगी। और जैसे ही व्हाइल का लूप कम्प्लीट हो जाए, मैं चाहता हूँ कि जो फोल्डर हमने ओपन किए इसको मैं क्लोज कर दूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्लोज DIR। ये हमारा लास्ट फंक्शन है, इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया डॉलर डी, क्योंकि इसी को मैंने ओपन किया था, जिसको आपने ओपन किया था वो था डॉलर डी में चला गया था, इसी को हमने यहाँ पे क्लोज करना। तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए, जो भी हमारे पास करंट डायरेक्टरी थी, आप यहाँ पे देख रहे हैं PHP फाइल सिस्टम, उसके अंदर जितने भी फोल्डर्स आ रहे हैं, फाइल्स आ रही हैं, चाहे टेक्स्ट की फाइल हों, PHP की हों या HTML की फाइल हों, वो सारी इसने यहाँ पे शो कर दी। मैं इसको किसी सब फोल्डर के अंदर भी चेक कर सकता हूँ। देखिए, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ js/, अब इसका मतलब क्या है, इसके अंदर जो हमारे पास करंट डायरेक्टरी है, इसके अंदर जो ये हमारे पास फोल्डर है सब फोल्डर js, इसको ये स्कैन करेगा यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे हम इसे रीड कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर इसके पास सिर्फ 2 ही फाइल थी, इसने यहाँ पे ये शो कर दी। और इसी तरह अगर मैं इसकी पेरेंट डायरेक्टरी को चेक करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा डॉट डॉट, यहाँ मैंने फाइल को सेव किया, ये देखिए। तो जो भी हमारे पास करंट डायरेक्टरी थी जिसका नाम था PHP फाइल सिस्टम, उसकी जो पेरेंट डायरेक्टरी है जिसका नाम है stdocs, उसके अंदर जितनी भी फाइल्स आ रही थी वो सारी इसने यहाँ पर हमारे को शो कर दी, चाहे वो zip फाइल हो, फोल्डर्स हो, कोई भी फाइल हो, यहाँ पे इसने हमारे को शो कर दी।
तो ये था पूरा प्रॉपर वे कि हम फोल्डर को कैसे ओपन करते हैं पहले, फिर उसको कैसे रीड करते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पर व्हाइल का यूज़ किया है। उसके बाद हमने इस फोल्डर को क्लोज करने के लिए, मतलब कि डायरेक्टरी को क्लोज करने के लिए, हमने यहाँ पे अपना फंक्शन यूज़ किया क्लोज dir। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।